किराएदार हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी टैक्स पेयर को। 29 पैरामीटर्स के आधार पर 29 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब MCD ने और नगर निगम ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक आज डिसीजन लिया है कल। वो सभी सिफारिशें, वो सभी रिकमेंडेशंस जो 5th MVC ने पिछले साल नवंबर में एक्सेप्ट की थी, उन सभी सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 19 अप्रैल को नगर निगम में एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि ये सभी सिफारिशें 1 अप्रैल 2023 से अब लागू हो गई है, और उसी ऑर्डर में 29 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम सबको मालूम है कि MVC म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी ने पिछले साल कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, सिफारिशें दी थीं, और उनको 4 नवंबर 2022 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब MCD ने और नगर निगम ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक आज डिसीजन लिया है कल। वो सभी सिफारिशें, वो सभी रिकमेंडेशंस जो 5th MVC ने पिछले साल नवंबर में एक्सेप्ट की थी, उन सभी सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 19 अप्रैल को नगर निगम में एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि ये सभी सिफारिशें 1 अप्रैल 2023 से अब लागू हो गई है, और उसी ऑर्डर में 29 पैरामीटर्स हैं। 29 पैरामीटर्स के आधार पर 29 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को आने वाले टाइम में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो हैं यूज़ फैक्टर, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, एज फैक्टर, स्ट्रक्चर्ड फैक्टर। साथ ही अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेशक वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वेकेंट लैंड है, बैंक्वेट हॉल है, बारात घर है, गेस्ट हाउस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्म हाउस हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, पेट्रोल पंप हैं, सभी को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। तो कुछ कुछ जो यूज़ फैक्टर्स में जो बदलाव आया है, मैं उस पर आपको थोड़ा सा उन पर लाइट डालना चाहूँगी। जैसे यूज़ फैक्टर में जो परिवर्तन आया है, उससे टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुछ कुछ कॉलोनीज़ हैं, उनके लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। कुछ कुछ जो कॉलोनीज़ हैं, उनकी श्रेणी में बदलाव लाया गया है। जैसे ओल्ड एज होम है, बारात घर है, समुदाय भवन है, फार्म हाउस है, इन सब के लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। जैसे कि स्पेशली किराए की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो श्रेणी है, उस श्रेणी में जो यूज़ फैक्टर है, उसको घटाकर 2 से 1.25 कर दिया गया है, जिससे जितने भी किराएदार हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसमें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी टैक्स पेयर को। साथ ही 5-स्टार होटल का जो यूज़ फैक्टर है, उसको घटा के 10 से 8 कर दिया गया है। बैंक्वेट हॉल है, उसके यूज़ फैक्टर को घटाकर 6 से 4 कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट स्कूल के जो यूज़ फैक्टर है, उसको घटाकर 3 से 2 कर दिया गया है। और साथ ही जो पेइंग गेस्ट हैं, जो हॉस्टल्स हैं, जो जहाँ पर छात्र रहते हैं, उसके यूज़ फैक्टर को घटाकर 4 से 2 कर दिया गया है। तो नगर निगम ने, जो कि आप हम सब जानते हैं, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा से व्यापारी को, टैक्स पेयर्स को, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़ी राहत हमेशा से दी है। तो एक बार दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो अब नगर निगम में आ चुकी है, इन सबको दोबारा से एक बार राहत दी है। और साथ ही वो वाली कॉलोनीज और सोसाइटी, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। वो सब कॉलोनीज और सोसाइटीज अगर अपना वेट वेस्ट 100% तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, 100% वेट वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से अगर डिस्पोज ऑफ करेगी, उनके लिए भी 5% का रिबेट इन MVC रिकमेंडेशंस में दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे हर वर्ग को के लिए काम करती आई है, अभी भी और आने वाले समय में भी, जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको अच्छी राहत दी है, जिससे आने वाले टाइम में जो टैक्स बर्डन है, इन सब पर कम किया गया है।
तो मैं बहुत आशा करती हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सभी टैक्स पेयर्स के लिए, और मुझे मालूम है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सबकी बड़ी मेहनत की कमाई है, तो इस ऐसी राहत देने से एक खुशखबरी है उनके लिए, और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी ऐसे ही उन सबके लिए राहत देती रहेगी। नगर निगम MCD अब इन सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।